हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे Redmi Note 7 Pro का। जो मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज साइज के साथ। इसमें हमें मिल जाता है 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर, 6.3 इंच नॉच डिस्प्ले एंड 4000 mAh की बैटरी। इसमें जो दूसरा वर्जन आता है वो है 6GB और 128GB स्टोरेज के साथ। लेट्स ओपन दिस बॉक्स और देखते हैं उसमें से क्या क्या मिलता है और फोन कैसा दिखता है। ये है गाइड पैम्पलेट और इसके साथ आता है रबर का कवर, ये जिसको आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। चलो इसको पास में रखते हैं और देखते हैं हमारा मोबाइल। तो ये है हमारा Redmi Note 7 Pro। थोड़ा वेट है पर इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। ये है मोबाइल चार्जर का एडाप्टर। मुझे जो बताया गया है कि इसमें सिंपल कॉलकॉम 2 का एडाप्टर मिलता है और आपको अगर ज़्यादा वाला चाहिए तो शायद हमें अलग से ख़रीदना पड़ता है। ये है टाइप सी यूएसबी टाइप सी केबल। ये मोबाइल में टाइप सी चार्जर है जो यूज़फुल है फास्ट चार्जिंग के लिए, तो ये टाइप सी चार्जर है। और इसमें और कुछ नहीं है तो इसको रख देते हैं पास में और देखते हैं ये मोबाइल को। ये मोबाइल में जैसे मैंने बताया 48 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और अदर फीचर्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। पीछे की साइड स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी मोबाइल दिख लग रहा है कि स्पेस ब्लैक है। दोनों साइड हमें इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है। पीछे की साइड हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और कैमरा और फ्लैश है और आगे में हमें जो ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाता है। राइट साइड में हमें मिल जाता है पावर बटन और वॉल्यूम्स के बटन्स दिए गए हैं। नीचे की साइड हमें माइक और स्पीकर के वेंट्स हैं और ऊपर की साइड ऑडियो जैक। तो चलिए मोबाइल को बूट करते हैं। जब आप मोबाइल को बूट करते हैं तो लास्ट स्टेप्स में आपको कुछ सेटिंग्स मिलते हैं। मैं बोलूँगा आप उसको डिसेबल कर दीजिए जिससे आपको ऐड कम आएगी। आपको पता ही है कि MI का वो सब्सिडी रेवेन्यू है जहाँ पे वो रेवेन्यू ऐड से कमाता है, तो अगर आप ये सब डिसेबल कर देंगे तो आपको बहुत कम या 90% शायद कम एड्स दिखेगी। तो मेरा मोबाइल अब हो गया है स्टार्ट, देखते हैं कैसा लगता है। जो लुक है वो प्रीमियम जैसा लगता है। जहाँ पे भी मैं टच कर रहा हूँ वो स्पीड से आ जाता है, तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत फास्ट लग रहा है। सेटिंग्स में देखते हैं तो ये जो फ़ोन है वो ऑलरेडी अपडेट्स दिखा रहा है, तो सिस्टम अपडेट करना बेस्ट ऑप्शंस है कोई भी नए यूज़र्स को, क्योंकि वो जो भी उनको फिक्सेस या इश्यूज मिले हैं फर्स्ट वर्जन में, दे शुड हैव फिक्स दैट इन द नेक्स्ट वर्जन।
आप देख सकते हो जो मुझे अपडेट मिला है उसमें क्लियरली मेंशन है कि स्पीकर्स के जो नॉइस है उसको फिक्स किया गया है। ये मोबाइल का कॉन्स है कि हम इसमें दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड नहीं रख सकते। इसका मतलब ये है कि आप कोई एक सिम कार्ड और एक मेमोरी रख सकते हैं या ड्यूअल सिम रख सकते हैं। मुझे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं टच करता हूँ वो इमिडिएटली ओपन हो जाता है और वॉल्यूम बार के बटन्स हैं वो बहुत अच्छे से दिए गए हैं जो मुझे इजी लगते हैं प्लस और माइनस करने में। मेरे इनिशियल डेज के यूसेज में मुझे जो अच्छा लगा है कि उसका जो बैटरी पावर बैकअप है वो कहने के लिए 4000 है पर बहुत बढ़िया है और इसका जो डिस्प्ले है वो भी बहुत अच्छा है इसका। हाँ, मोबाइल का वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा है पर उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अच्छा है। कैमरा है वो अच्छा है पर 48 मेगापिक्सल इट्स नॉट वर्थ, पर 12 मेगापिक्सल का जो साइज़ वाला जो फ़ोटो होते हैं वो इनफ होते हैं हमारे लिए। इसमें जो कैमरा का जो हम्प है वो बहुत दिखता है पर आई थिंक कवर से आप छुपा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।